नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम जिस मैच के बात करने जा रहे हैं वह है पाकिस्तान वन वर्सेज साउथ अफ्रीका वन के बीच में होने वाला आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का सेकंड ओडीआई मैच, जो कि खेला जाएगा पोचेस फर्स्ट रोम में। अगर बात करते दोस्तों वुमेंस क्रिकेट टीम की, तो मोस्टली जो मैच डालता हूँ मैं वुमेंस क्रिकेट टीम की क्यों डालता हूँ आपको कारण बता दूँ कि मैंस के जो मैचेज है सब देखते हैं मोस्टली, जितने भी अगर खेलते हैं ड्रीम इलेवन वगैरह खेलते हैं या फिर कोई भी दूसरे फैंटेसी वेबसाइट में खेलते हैं, फंटेसी ऐप में खेलते हैं, मोस्टली मैंस का मैच देखते ही देखते हैं। लेकिन वुमेंस का मैच सबसे कम देखा जाता है और उसमें जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैं वुमेंस क्रिकेट टीम खेलता हूँ। और मोस्टली अगर बात करें ग्रैंड लीग की, मैं मोस्टली अगर जो मैचेस जो ज्वाइन करता हूँ मैं वुमेंस क्रिकेट टीम की करता हूँ, मैंस की इतनी नहीं करता क्योंकि मैंस का पता है कि कौन सा प्लेयर अच्छा खेलता है कौन सा प्लेयर अच्छा नहीं खेलता। लेकिन वुमेंस की बात करें तो आपको थोड़ा टाइम लगता है जानने में, इतना जानने में। अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मैंस का भी देखे वुमेंस का भी देखे, इस कारण मैं वुमेंस की ज़्यादा डालता हूँ। अगर बात करते हैं तो पहले मैच की मैं डाल नहीं पाया, लेकिन दूसरे मैच की मैं डाल रहा हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलो जो कि नीचे लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले बता देता हूँ, जब भी वुमेंस क्रिकेट टीम का मैच होता है मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लो, हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि वुमेंस क्रिकेट टीम में ज़्यादा स्कोरिंग वाला मैच नहीं होता, बहुत कम स्कोरिंग वाला मैच होता है। इसलिए जो अपने कैप्टन वाइस कैप्टन या प्लेयर सेलेक्ट करते हो मोस्टली ऑलराउंडर सेलेक्ट करने की कोशिश करना। अब बात करते हैं जो ये मैच है इसमें जो डिम लेवल में जो पॉइंट्स जो रेटिंग इनको क्रेडिट दिया है ना बहुत ज़्यादा दिया है, तो आप चाह कर भी जो आप बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो नाम है उनको नहीं ले पाओगे। लेकिन मैंने एक पूरा बना रखा है सेट किया, इस प्लेयर को ले सकते हो, एक आपकी सेफ टीम या फिर आप उसको ग्रैंड लीग में भी ज्वाइन करोगे ना, ग्रैंड लीग में भी आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे पता है कि गारंटी तो कोई नहीं दे सकता क्योंकि ये तो सट्टा ही एक तरह से, लेकिन जो प्लेयर मैंने सिलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपका लॉस नहीं होगा, नहीं तो आप लगा कर देख लेना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब मत करो, अगर मैच जीत जाते हो या फिर आपकी प्रॉफिट हो जाता है आपको तभी आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आप बात करते हैं विकेट कीपर की, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं एली और सिद्धरन नवाज। दोस्तों एली की बात करें तो एली आपको बैक विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई देंगे, ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे साउथ अफ्रीका वुमेंस की तरफ से। वहीं सिद्धरन नवाज की बात करें तो पिछले मैच की बात करते हैं, सबसे पहले मैच में इनकी जो बैटिंग आई थी ना 9वें नंबर पे आई थी सिद्धरन नवाज की, तो सिद्धरन नवाज को लेना क्यों लेना एज अ बैट्समैन एज अ विकेट कीपर क्यों लेना, इसलिए ली बहुत बढ़िया ऑप्शन है इस मैच के लिए साउथ अफ्रीका वुमेंस के लिए। और इनकी बात करें तो मोस्टली सब इसकी प्लेयर्स की बैटिंग आ जाती है, मैं बैट्समैन बोलने वाला था लेकिन बैट्समैन बोलना चाहता था, लेकिन प्लेयर्स अच्छा शब्द है, तो प्लेयर्स की बैटिंग आ जाती है वुमेंस क्रिकेट टीम में क्योंकि विकेट गिरते रहते हैं और इसमें बॉलर्स का ही राज होता है, बॉलर्स या फिर ऑलराउंडर का ही सिक्का चलता है। सिद्धरन नवाज को देखता हूँ कितने परसेंट लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं 69 ऑलमोस्ट 70% लोगों ने सेलेक्ट किया है, वाई। और ली की बात करें ओनली 30% लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो यही दोस्तों यही फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए मैं वुमेंस क्रिकेट टीम की तभी मैं वीडियो डालता हूँ, कारण ही यही है क्योंकि सिद्धरन नवाज की जो बैटिंग का आप देख सकते हैं 9th नंबर पे, अब 9th नंबर पे बैटिंग करने आएंगे कितने रन बनाएंगे कितने बॉल मिलेंगे। वहीं लीग की बात करें तो ओपनिंग करते आपको दिखाई देंगे, विकेट कीपिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे और बहुत बढ़िया प्लेयर हैं साउथ अफ्रीके, इसलिए मैंने लिया है लीग को। अब बात करते हैं बैटिंग की, दोस्तों अगर इसमें बता दूँ कि मैं ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में लीग को लूँगा। बैटिंग की बात करते हैं बैटिंग में दोस्तों बिस्मामरूफ की बात करें तो ये अब कैप्टन है वुमेंस क्रिकेट टीम की पाकिस्तान की, तो ये 4th नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगी। और ये आप पहले दिखा देता हूँ इनके जो क्रेडिट है, ये देखो इतने क्रेडिट इसमें 11.5 क्रेडिट 7.5। अब बता दो सिद्धरन नवाज को मोस्टली लोगों ने कारण आपको बता देता हूँ 7.5 11.5 4 पॉइंट का डिफरेंस है, तभी सिद्धरन नवाज को मोस्टली लोगों ने लिया है। अब ये देखिए मरूफ 12.2, जावीरा खान 12, ये इसी कारण दोस्तों जावीर खान आपको खेलते हुए दिखाई देंगे पाकिस्तान की तरफ से। पहले मैच में इन्हें 3rd नंबर पर बैटिंग करने आई थी, 34 रन बनाए थे, बहुत बढ़िया प्लेयर है, कंसिस्टेंट इनका परफॉर्मेंस रहता है। तो एल बोलब्रेट को मैं अपनी टीम में लेना चाह रहा था लेकिन मेरे पे पॉइंट क्रेडिट इतने नहीं बने कि मैं इनको ले पाऊँ, ये आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो बोलब्रेट ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे लीग के साथ, पहले मैच में जल्दी आउट होगी 4 रन में, लेकिन बहुत बढ़िया प्लेयर दोस्तों। जो प्लेयर इस टीम में नहीं ले पा रहा हूँ बाकी जो दो दूसरी टीम बनाऊंगा उसमें लूँगा, डेफिनेटली अपने रूम में लूँगा,
एम डू प्रेज अगर बात करें साउथ अफ्रीका की टीम से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, 5 नंबर में बैटिंग करने आते, पहले मैच इन्होंने 18 रन बनाए थे। नाहिदा खान जो तो पाकिस्तान की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई देंगी। अगर नाहिदा खान की बैटिंग पोजीशन की बात करें तो ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे, पहले मैच में जल्दी आउट हो गए 4 रन पर, लेकिन बहुत बढ़िया प्लेयर है। एस टेन की बात करें अमिल एस टेन साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगी। एंड्रू स्टेन 3 नंबर पर बैटिंग करने आती हैं, इनको लेना चाहते हो इनको भी ले सकते हैं, इस मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे। सी टेन दोस्तों आपको खेलते हुए दिखाई देंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से, इनकी बैटिंग पोजीशन की बात करें तो 6 नंबर पर ये बैटिंग करने आएंगी। सिद्धरामिन की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों सिद्धरामिन को लेना चाहते हो ले सकते हो, क्योंकि ये इस मैच में भी खेलते हुए दिखाई देंगे, इसी मैच में भी ओपनिंग करते आपको दिखाई देंगी नाहिदा खान के साथ। ओमेमा सोल तो पाकिस्तान की तरफ से, मैंने ओमेमा सोल मुझे पता है कि बहुत कम लोगों ने लिया होगा, एक बार दिखा दे तो कितने परसेंट लोगों ने लिया है ओमेमा सोल को, ओनली 21% लोगों ने लिया, लेकिन बहुत बढ़िया प्लेयर है ओमेमा सोल। ये पाकिस्तान की तरफ से कुछ मैचेज में ओपनिंग भी कर चुकी है, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैंने ओमेमा सोल को अपनी टीम में सेलेक्ट किया हुआ है। एस जफ्टा के बारे में बात करें तो एस जफ्टा को पिछले मैच में मौका मिला लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई एस जफ्टा, 8 नंबर पर बैटिंग करने आई थी, 0 रन उन्होंने बनाए, कुछ खास नहीं कर पाई, इसलिए मैंने अपनी टीम में सेलेक्ट नहीं किया एस जफ्टा को। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन, तो ऑलराउंडर में सेलेक्ट किया नीरा दार को और एस लूस को। एस लूस की बात करें तो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे एस लूस 4 नंबर पर बैटिंग करते दिखाई देंगे, साउथ अफ्रीका से कैप्टनसी है, कैप्टन भी है। और निदादार अगर बात करें, निदादार बहुत बढ़िया प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही तगड़ी करती है, 5 नंबर पर बैटिंग करने आते, पहले मैंने 2 विकेट लिए थे लेकिन रन कुछ नहीं बनाए थे। मेरे एम कैप की बात करें दोस्तों, मैरिना कैप है, पहले मैंने 1 विकेट लिया, 6 रन बनाए, तो बहुत बढ़िया प्लेयर है मैरिना कैप, लेकिन इनकी जो क्रेडिट है ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इनको नहीं ले पाया अपनी टीम में, नहीं मैं लेना चाह रहा था इनको अपनी टीम में। बहुत अगर बात करें तो पिछले मैचेस होते हैं तो वुमेंस क्रिकेट टीम के, तो इनके क्रेडिट इतने नहीं होते, मेंस की बात करें तो मेंस के बहुत बढ़िया होते, लेकिन वुमेंस क्रिकेट टीम में अब की बार इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे दिए, बहुत ज़्यादा पॉइंट दे दिए। अब मेरे को समझ नहीं आता कि किस किस प्लेयर को लें, इसे मैंने अच्छी टीम बनाई है, दे सकते हो आप हमारी टीम को, ग्रैंड लीग में भी जो उनके थे, समोले गेम में जो उनके थे, आपका लॉस नहीं होगा। ए रियाज की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे आलिया रियाज, 6 नंबर पर बैटिंग करने आती हैं, एनदे क्लर्क। साउथ अफ्रीका की तरफ से बात करें, एनदे क्लर्क का मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है इस मैच में खेलना, तो मैं अपनी टीम में मैंने सेलेक्ट नहीं किया। एन संग से भी इस मैच में नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे, इसलिए मैंने सेलेक्ट नहीं किया। सना में दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, पहले मैच उन्होंने ताबड़तोड़ बॉलिंग करी और 4 विकेट झटके। एस इस्माइल, हाँ बात करें दोस्तों एस इस्माइल इस मैच में भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, पहले मैच में 1 रन बनाए और 1 विकेट उन्होंने झटका। नसरत संधु दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे, नसरत संधु अगर इनकी बैटिंग पोजीशन की बात करें नसरत संधु की, तो बैटिंग तो बहुत नीचे खेलने आती है, लेकिन इन्होंने 2 विकेट झटके पहले मैच में, बहुत बढ़िया प्लेयर है। डायना वैग, तो डायना वैग को अगर खिलाया जाता है, क्योंकि टॉस के बाद भी चेंज कर सकते हैं अपने प्लेयर को, खिलाया जाता है डायना वैग को अपनी टीम में दोस्तों जरूर लेना, बहुत बढ़िया प्लेयर है एम क्लास से, बहुत ये भी बहुत बढ़िया बॉलर है। पहले मैच की बात करें, पहले मैच जो विकेट नहीं ले पाए, लेकिन बहुत बढ़िया बॉलर, विकेट टेकिंग बॉलर, इसलिए मैंने एम क्लास को अपनी टीम में सेलेक्ट किया। एक बार दिखा दे तो कितने परसेंट लोगों ने सेलेक्ट किया, बहुत कम परसेंट लोगों ने सेलेक्ट किया होगा, 51% लोगों ने इनको सेलेक्ट किया। एफ साना दोस्तों नहीं खेलेंगे। टी सेकू खुने की बात करें तो पहले मैच में खिलाया गया, 1 विकेट भी नहीं ले पाए, लेकिन बहुत अच्छी बॉलर है। एम के इम्तियाज दोस्तों नहीं खेलेंगे। जे माली में बहुत अच्छी बॉलर है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मौका मिलेगा। जे रॉफ, ए अनवर दोस्तों नहीं खेलेंगी, आज समय भी नहीं खेलेंगे इस मैच में। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, ये तो कैप्टन मैंने सेलेक्ट किया है निदा दार को, और वाइस कैप्टन की बात करें तो वाइस कैप्टन में आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस है, जिसको लेना था आप ले सकते हैं, निदा दार को कैप्टन में लिया। और वाइस कैप्टन की बात करें तो आपको बता दें तो आपके पास नाहिदा खान है, एंड प्रूज को भी आप ले सकते हैं, तो निदा दार तो कैप्टन होगी। वाइस कैप्टन दोस्तों मुझे पता है बहुत से लोग सनामीर को लेना चाहते ले सकते हो, ग्रैंड लीग के सनामीर बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और लेकिन अगर हेड टू हेड स्मॉल लीग के लिए बात करें तो आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर ले, ताकि अगर बॉलिंग में कुछ नहीं कर पाए तो बैटिंग में कर लेंगे, बैटिंग में पॉइंट मिल जाएंगे, बैटिंग में नहीं कर पाए तो नहीं, बॉलिंग में आपको पॉइंट मिल जाएंगे। तो आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेता है, सी ट्रोन को आप ले सकते हो। तो वाइस कैप्टन में, तो वाइस कैप्टन मैंने सी ट्रोन को लिया अपनी टीम में। अब प्लेयर्स की बात करें, हमारे एल ली हो गए, जाबिर खान हो गए, नाहिदा खान हो गए, सीट्रोन हो गए, एम डू प्रीज हो गए, और
और मैं सॉरी एम डुप्रेज़ को भी आप ले सकते हो, तो बॉलिंग भी करते हो आपको दिखाई देंगे एम डुप्रेज़। पहले मैं जब 5 ओवर बैट खेलने आते हैं, सी टोन की बात करें तो सी टोन थोड़ा इनसे नीचे खेलने आती है, ले एम डुप्रेज़ फाइनल नीदादार एस लूस सनामीर नसरा संदोरा क्लासेस। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैच जीत जाते हो हमारी टीम लेके हमारी इन्फॉर्मेशन लेके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आके सब्सक्राइब कर लेना भूल मत जाना, और वीडियो आके भी लाइक कर सकते हो, अभी भी लाइक कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लाइक करो या सब्सक्राइब करो। आइए अगर जीत रहे हो सच में तो लाइक करो सब्सक्राइब कर दो। तो अगर आपको सी सी प्लस प्लस एंड्रॉइड से रिलेटेड इथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हमारा दूसरा चैनल गैंग्स ऑफ कोडर का आप सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा एक और चैनल है एसपी डिजाइनर्स, उसको सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको सुबह उठते उठते पॉजिटिविटी चाहिए तो हमारा एक और जो ऐप है साइकोलॉजी फैक्ट, उसको डाउनलोड करना ना भूले, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है सेफ़ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा है वहाँ पर जाइए क्लिक कीजिए, लिंक पे आपको प्ले स्टोर में जाएगा, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मैच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल आफ्टर विनिंग द मैच। थैंक यू सो मच।